हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल रेखा मनोज ब्लॉग एंड किचन में आप सभी का वेलकम है दिल से। तो गाइस कैसे हैं सब? तो आई होप कि सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बाबू अभी पी रहा है दूध और वो अभी खेल कर आया है बाहर से, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है आज का मेरा, और ब्लॉग तो मेरे सारे इंटरेस्टिंग होते हैं गाइस, क्योंकि मैं ब्लॉग में लेके आती हूँ अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़, अपनी लाइफ स्टाइल एंड स्किल और अपना डेली ब्लॉग। तो चलिए ब्लॉग को करती हूँ शुरू। और जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए, तो गाइज अभी मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आज मैं बना रही हूँ आलू बड़ी की सब्ज़ी। तो सोया बड़ी आज मैं बना रही हूँ और बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ। मैं हर बार फ्राई करके बनाती हूँ, तो इस बार मैंने फ्राई नहीं की है और मैंने बड़ी को छोटा छोटा काट लिया है। और यहाँ पे देखिए मसाला भून रहा है अभी, और मसाले में ना मैंने ग्रीन चिली को जो है ना बीच में से मतलब काट के डाला है, पूरा पूरा छोटी छोटी काट के डालती हूँ ना, तो ये मतलब वाइट में आते हैं, तो ध्रुव के पापा को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए निकालने में आसानी रहती है, तो इसको आसानी से निकाला भी जा सकता है, तो इसीलिए मैंने बड़ी बड़ी ग्रीन चिली इसमें डाल दी है। और मसाले प्याज को ना मैंने चॉप नहीं किया है, ना ही पीसा है, ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि ग्राइंड प्याज का जो मसाला होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है, और इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैं पनीर में भी कई बार ऐसे ही मसाला डालती हूँ, और उसमें कोफ्ते वगैरह में भी, तो ये बहुत ही अच्छे से खा लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। प्याज और टमाटर को अच्छे से मैंने भून लिया है यहाँ पे, टमाटर को भी मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि पिसे हुए मसाले के अकॉर्डिंग ना ग्राइंड मसाला बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। पिसा हुआ मसाला क्या होता है ना, उसको कितना भी भून लो फिर भी वो कच्चा ही रहता है, और ऐसा मेरा मानना है, मैंने कई बार ट्राई किया है इस तरह से, तो ग्राइंड मसाला जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है और लुक भी बहुत अच्छा आता है रेसिपी का। तो यहाँ पे देखिए मसाले सारे मेरे भुन गए हैं, और आज ना ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, वो मुझे भी लग रहा है और आप लोगों को भी लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा तेल तेल दिख रहा होगा। तो अभी सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनने वाली है, और देखिए मसाला भुन गया था, तो इसमें मैंने ना नमक डाल दी थी, तो नमक मैं दोनों ही डालती हूँ, ब्लैक भी और वाइट भी, तो वाइट ब्लैक नमक से ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है रेसिपी में। तो मसाला पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो मैंने आलू को और सोया बड़ी को अच्छे से धो के भिगो के और सुखा लिया है, गीले मतलब पानी में निकाल के, डायरेक्ट पानी से निकाल के मैं आलू को नहीं डालूँगी इसमें। और ये देखिए मैंने आलूओं को काफ़ी टाइम से पहले ही रख दिया था सुखा कर, और उसके बाद सोया बड़ी को भी मिक्स करके इन दोनों को मतलब बिना फ्राई करे ही मैं आज डाल रही हूँ, नहीं तो मैं फ्राई करके बनाती हूँ। और बड़ी को देखिए मैंने छोटा छोटा काट लिया है, क्योंकि मैंने फ्राई नहीं की है, तो अंदर से जो कच्ची कच्ची लगती है ना वो नहीं लगती है इस तरह से, और जब कम होती हैं बढ़िया, तो इसी तरह से मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में और बहुत अच्छा लुक भी आता है। तो बस सब्ज़ी अभी भून रही थी यहाँ पे, और इसको अच्छे से भूनना है, क्योंकि मैंने फ्राई नहीं किया है आलू बड़ी को, तो इसलिए इसको मसाले में बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये थोड़ी सी भुन ना जाए बड़ी और आलू। तो गाइज़ जब तक मेरी आलू बड़ी भुन रही हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ब्लॉग में, और डेली ब्लॉग मेरे लाती हूँ मैं डेली ब्लॉग। तो आज ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं हो पाई थी, क्योंकि बाबू ना आज ज़्यादा सुबह से ही बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो जब वो परेशान करता है तो मेरा ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और फिर आप लोग भी इतना सपोर्ट नहीं करते हो, तो इसलिए ब्लॉगिंग करने का और ज़्यादा मन नहीं करता। मैं जो है ना बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम यूट्यूब पर हो गया है मेहनत करते हुए, तो अभी कोई रिस्पांस मुझे यूट्यूब से इतना नहीं मिल रहा है, बहुत ही कम मेरे सब्सक्राइबर अभी हुए हैं, और टाइम जो है मेरा एक साल
होने ही वाला है कंप्लीट, और बहुत ही इतनी मेहनत भी मैंने की है चैनल पे, तो अभी तक मुझे बिल्कुल भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है मेरी मेहनत का। तो चलिए जो भी है वो कभी ना कभी तो मिलेगा ही, तो तब तक मैं मेहनत पूरी दिल से करूँगी और बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी आगे भी, और ऐसे ही लाती रहूँगी। तो कभी ना कभी तो आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे ही, इतना तो मुझे भरोसा है गाइस, और मेहनत जो है ना वो करते रहना चाहिए। तो YouTube तो अब मैं नहीं छोड़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे अब आप लोगों से बात करने की बस एक आदत सी हो गई है। और देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया है, तो मैं तरी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। देखिए अभी से ही ऑयल इसमें जो है ऊपर से दिखने लगा है, तो इस ऑयल को मैं बाद में जब सब्ज़ी पक जाएगी ना तो इसको मैं निकाल दूँगी, और फिर मैं इसको दूसरी सब्ज़ी में भी यूज़ कर लेती हूँ, और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो पराठे भी बना लेती हूँ मैं इस ऑयल से। तो देखिए अभी ये सब्ज़ी मेरी बन के तैयारी हो चुकी थी, तो ऑयल जो है ना वो बहुत ही अच्छे से ऊपर आ गया है, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ही करके निकाल लेती हूँ और एक कटोरी में रख देती हूँ बाद में और छान के। तो उससे क्या होता है, मैं या तो पराठे बना लेती हूँ या फिर इसको किसी और चीज़ में तड़के में भी यूज़ कर लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छा होता है ये ऑयल, तो मैं फेंकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो देखिए सब्ज़ी से अगर आपको बिल्कुल ऑयल निकालना हो तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आप इस तरह से ऑयल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी सब्ज़ी ना टेस्ट करके देख रही थी, और आज मेरी सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया बनी थी गाइस। मैंने सोचा नहीं था कि बिना फ्राई किए हुए भी मैं आलू बड़ी को इतना टेस्टी बना सकती हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी बन रही थी। और बस अभी ये पक जाएगी, थोड़ी 5-10 मिनट इसको मैं और पका लूँगी। तो सब्ज़ी मेरी बन गई थी, और उसके बाद मैं चावल बनाने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा पहले चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद चावल बनाऊँगी। और बाबू अभी सोया हुआ था, तो उसका कोई पता नहीं वो कब उठ जाएगा। और रोटियां भी मैंने बना ली हैं, और बस अब हस्बैंड जी आ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। तो लंच हमारा 2 बजे के बीच में ही होता है, 2 से 1 बजे के बीच में। तो अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है, अभी 1:12 बज गए हैं, तो अभी हस्बैंड जी भी नहीं आए हैं, तो मैं तब तक अपना और काम निपटा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब ध्रुव सो जाता है और इसके पापा जब बाहर कहीं चले जाते हैं, तभी मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग कर पाती हूँ, उन दोनों के साथ मेरी ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं हो पाती है गाइज। तो इसीलिए मुझे ना बहुत ही मजबूरी के साथ ब्लॉग बनाना पड़ता है कभी कभी, कभी कभी ऐसा लगता है कि आगे तक मेरा यूट्यूब चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं मैं यूट्यूब चला पाऊँगी या नहीं चला पाऊँगी अगर इसी तरह से मेरे जो काम हैं वो रहे। तो ध्रुव को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी करने लगा है, और आज तो उसने हद ही कर दी थी, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, बेमतलब में रोता है, कोई बात नहीं होती है लेकिन फिर भी रोता है, बहुत ही रोता है। और इतना उसको चुप कराने के चक्कर में कभी कभी ना हम दोनों में भी अनबन हो जाती है उसके चक्कर में, तो ये तो होता ही है गाइस, हर पेरेंट्स में होता होगा, तो कभी कभी होता है, लेकिन कोई नहीं, अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसी है कि हम लोग फिर समझ जाते हैं। और देखिए फाइनल मेरा यहाँ पे साफ़ सफ़ाई भी सारी हो गई है, तो किचन की साफ़ सफ़ाई बहुत ज़रूरी होती है। और बस छोटा सा ही है मेरा, यही किचन है, यही मंदिर है, सब कुछ बस यही है। तो खाना मेरा बन के बिल्कुल रेडी है, और अभी हम लोग जा रहे थे लंच करने के लिए, तो बस मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही थी गाइस। तो चलिए अभी यहीं पे इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, जो भी चैनल पर नए आते हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और देखिए चावल भी एकदम खिले खिले बने हैं, और देखिए सब्जी बनने के बाद कितना अच्छा लुक आ रहा है, बहुत ही बढ़िया ये लुक आ रहा है। और ये लुक ही नहीं आ रहा है गाइस, ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, आज की जो सब्ज़ी थी ना मेरी बहुत ही अच्छी बनी थी खाने में। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत ही धन्यवाद। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।